हेलो यूट्यूबर फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली टू रामेश्वरम। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 3:30 या 4 बजे के आसपास, और हमारी जो ट्रेन थी वो थी निज़ामुद्दीन से। तो अभी हम पहुँचे हैं निज़ामुद्दीन। तो चलिए अब हम चलते हैं स्टेशन की ओर। हमारे ट्रेन का टाइम था 5 बजे और वो दिल्ली की सर्दी की वजह से 1 से 1.5 घंटा लेट हो गई। जब हम सारे लोग एक साथ मिल गए तो सबकी अपनी अपनी बातें स्टार्ट हो गई। दिल्ली से रामेश्वरम काफी लंबा सफर है और इस सफर की पहली सुबह हुई हमारी चंबल घाटी में। सुबह होने के बाद यहाँ पे नाश्ते का मेन्यू डिसाइड होने लगा। अब मेन्यू में दो ही चीज़ थी, सूखा नाश्ता और गीला नाश्ता। अब मुझे यही नहीं पता कि सूखा नाश्ता क्या होता है और गीला नाश्ता क्या होता है। सूखा नाश्ता क्या होता है मैया? सूखा नाश्ता का हो ये नाश्ता करने के बाद और बोरियत दूर करने के लिए हम लोग कार्ड्स खेलने लगे। अरे दे दिए। अरे उसके 3 गेम तो हो गए, पैसे आ तो गए। कितने आ गए, कितने हो गए कार्ड? 4 ही हैं। इसको 7 दियो। ताश खेलते खेलते हमें सुबह से शाम हो गई और वक्त का पता ही नहीं चला। इतने तो जुआरी लोग भी नहीं खेलते होंगे जितना हम खेले थे। ताश खेलने के बाद हम लोगों ने भी मोए मोए किया। अब जो ट्रेंड में यही चल रहा है तो सोचा हम भी कर लेते हैं। रात को खेले हम दमशराज। चलो चलो, मम्मी बता रही। मम्मी दीदी थोड़ा साथ पीछे करो ना। कितने वर्ड है, कितने शब्द है? तेरी ये सीता मम्मी का शुरू। अमिताभ बच्चन, मैं बता देता हूँ कितने शब्द। बताओगे? चार बैठे हैं। अब मुझे नहीं बोलना। हिंदी में? हाँ ठीक है, आगे बताओ। मैं बेटा। अरे हम तुम्हारे है कौन बुआ? ये क्या सही से बताओ, मुंह थोड़ी हिलाना होता है इसमें। अरे ये क्या बात है। दमशराज खेलते खेलते कब हमारा स्टेशन आ गया हमें पता ही नहीं चला और हम उतरे हैं मदुरई, और मदुरई से जाना है हमें मंडपम। ये हमारी मंडपम की ट्रेन आ गई है। तुम कहाँ पे आ गई हो? मंडपम। मंडपम स्टेशन से ही आपको रामेश्वरम जाने के लिए गाड़ी मिल जाएगी।
करो तुम करना। ये है पंबन ब्रिज। आज से पहले मैंने इसको टीवी या फोन में ही देखा है, पर रियल लाइफ में तो ये और भी सुंदर दिखता है। बहुत सुंदर नज़ारा है। पंबन ब्रिज के ठीक सामने है हिंद महासागर। ये जो बोट खड़ी है, पहले तो मुझे ये छोटे छोटे पेड़ नज़र आ रहे थे, पर जब गौर से देखा तो ये बोट थी सारी। समुंदर में नहाने के बाद हम लोग निकल लिए बाईस कुंड में स्नान करने के लिए। यहाँ से जाते हैं हम बाईस कुंड स्नान के लिए। मंदिर के बाहर मंदिर के कुछ लोग खड़े होते हैं जो पर पर्सन 100 या 150 रुपये मांगते हैं बाईस कुंड में स्नान कराने के लिए। मंदिर के बाहर इतने पैसे ना देकर आप मंदिर के अंदर से ही पर पर्सन 22 कुंड स्नान के लिए पर पर्सन 25 रुपये की टिकट ले सकते हैं। यहाँ से लाइन शुरू होती है 22 कुंड स्नान के लिए। बाईस कुंड में स्नान करने के बाद हम लोग निकल लिए महादेव के दर्शन के लिए। यहां से शुरू होती है महादेव के दर्शन के लिए लाइन। चार घंटे लाइन में लगने के बाद हमें बाबा के दर्शन हुए। बाबा के दर्शन के बाद हमने की थोड़ी पेट पूजा। पाइनएप्पल एक पाइनएप्पल नहीं है, खत्म हो गया। अरे इसको शुरू करा। शाम को हम लोग फिर से रेडी हो गए बाबा के दर्शन के लिए।
हमारे साथ जितने भी जेंट्स थे उन सब ने धोती बांधी थी और कुछ लोगों से तो चला भी नहीं जा रहा था। शाम की चाय पीने के बाद हम फिर से बाबा के दर्शन के लिए निकल लिए। आप बोलो वीडियो बन रही वीडियो। बाबा के दर्शन के बाद हमने खाया साउथ इंडियन खाना। खाना खाने के बाद हम लोग गए धनुषकोडी। इसको भारत का आखिरी रोड भी बोला जाता है। धनुषकोडी घूमने के बाद हम लोग निकल लिए विभीषण जी के मंदिर। दो कैरी ले ले। मैं भी कैरी खाएगा। मैं आपके में से कैरी खा रही हूँ। कैरी आपके में से कैरी खा ले। दो कैरी, चार पांच पाइनएप्पल, चार। ऐसे मत बोलना कैरी। कैरी चटनी डाल रही है क्या? मसाला मसाला मैं क्या है वो पाइनएप्पल। बाप रे बाप, रेत गरम है और मैं नंगा पैर हूं। लाइन लग रहा है। व्हाट इज दिस? वीडियो बन रहा है क्या? रोक डाल रे क्या दस का मतलब बोल रहा है जय। वो तो नहीं संजीव नहीं बोल रहा है ये क्या भैया? ए ना अन्ना पूछो ना फिर बात कर लो। ये क्या कितने गए
अच्छी दर्द ना मालिश करो। अच्छा। तुम्हें मुट्ठी में दर्द तो मालिश करो, ये हाथ में दर्द तो मालिश करो, ये बुट्टी में दर्द तो मालिश करो, दर्द था राजा मालिश करो, रात्रि मालिश कर सुबह में गर्म पानी नहीं दो, ये बड़ा बड़ा दर्द अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये छाई छोटी बातें सो रही ना मचे, ये बड़ा बड़े चौथे तो मचे, ये नहीं भागवा नहीं उठावा नहीं चलावा, ये दर्द ना तो मालिश करो, ये दर्द तो मालिश करो मची, ये चाबी आदि में लगा हुआ, चाबी आदि में लगा हुआ दर्द तो कर जड़ी ने कि हमें दर्द बन गई, ये जड़ी बूटी हमें होता ये दर्द दर्द संजीवनी बूटे ले आना तो मची संजीवनी बूटे अभी लेता आओ आओ अन्ना किसका मंदिर है ये? अभी रुको, रुक जा। अन्ना की गाइड गाइड अन्ना बोला अन्ना दूर हट के बात करने का मैं बता रहा हूँ। ये जो मंदिर है भगवान राम रावण के साथ युद्ध करके यहाँ पे आया वापस। ओके ओके। और विभीषण जी का राज किला करके तुम्हें लंका का राजपति बनाया है। भाई तो मंदिर में पूजा करने का पेट पूजा मेरे को देने का। ओके 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 चलो दर्शन करने का। ओके अन्ना पूरा मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग बीच पे आए। ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है पहले तो मुझे लगा ये नमक है, जब पास जाके देखा तो ये नमक नहीं ये झाग है। वेट मुंह पे आएगा उड़ के। दोबारा दोबारा करो दोबारा करो। जी समुद्र में सर्फ किसने डाला? इस जगह को कहते हैं जटायु तीर्थम। जब रावण ने जटायु जी का पंख काटे थे तो वो इसी जंगल में आके गिरे थे। ओके दिस इज जटायु तीर्थम। इधर है कांटे। ओके चप्पल किधर है? उसमें जूते में रेत भर गया और पैर में कांटा। छोड़ दो तो मिलने आना फिर हड्डियों से इसकी। तुम मुझे उस कुएं में देखने आना, कहीं तुम देखोगे ना मैं तुम्हें खींच लूंगी अंदर। नटराज जी के मंदिर के सामने है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पे आपको वो पत्थर देखने को मिलेंगे जिनसे राम जी ने पुल बनाया था, राम सेतु बनाया था। यही वो पत्थर है जिनसे राम सेतु बनाया गया था। ये है मीनाक्षी मंदिर और ये मदुरई में है। Thank you.
Start.